इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मटन माया खलिया बना रही हूँ। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अंजुम रसोई चैनल पर है। देखिए बहुत ही अच्छा टेस्टी मटन माया खलिया बनके तैयार होता, आप लोग ज़रूर बनाइए। मैं इसमें क्या क्या मसाले डाली, किसको किस तरीके से बनाई मैं, आप लोग ज़रूर देखिए। माशाल्लाह यहाँ पर मसाला है, ये देखिए मसाला पीसी। आप लोग ज़रूर विज़िट करें मेरे चैनल पर, विज़िट करके देखें। बहुत सारे रेसिपीज़ है, पुराने पुराने रेसिपीज़ है जो हम रोज़ खाना सालन खाते हैं डेली के, वो भी है। आप लोग विज़िट करके देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब ये तैयार हुआ बस, अभी मैं आपको एक वीडियो लेकर बताती हूँ, एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मालूम हो सके कि मेरे चैनल पर माया खलिया की रेसिपी भी है। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करके देख सकते हैं, सर्च कीजिए अंजुम रसोई चैनल पर। ये देखिए मैं माया खलिया के मसाले जो भी रहते मैं इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ। अब ये बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा शानदार दिख रहा है, और बन के तो लाजवाब होता टेस्ट में। ज़रूर बनाइए इंशाल्लाह। अभी थोड़ा एक 5 मिनट भून के फिर मैं इसमें खट्टा डालूँगी। ये देखिए मैं खट्टा डालती हूँ माया खलिया में। आज फर्स्ट टाइम इमली डाली मैं, हमेशा लेमन सॉल्ट डालती हूँ। देखिए तकरीबन तैयार है, अब दम पे रखना है इसको। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसमें और एक दो हरी मिर्च डाल देंगे। बस एक 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे ताकि इसका ये ऑयल खट्टा भी पक जाता और ये ऑयल जो है ना मसाले से सेपरेट हो जाता इंशाल्लाह ताला। डिश आउट करके भी बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माया खलिया बन के तैयार है। ये साइडों पे देखिए सारा जितना भी हम तेल ऑयल डालें, कुकिंग ऑयल, सब साइड पे आ गया। मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्टी हुआ माशाल्लाह।